जवान वाला जो बेल था, बेल जो जो नेपाली में गुरु ही बोलते हैं हम लोग, और दो दो थे, एक बुड्ढा था एक बेचारा एक जवान था। और हुआ क्या उसमें कि जब जोतने खेत जोतने के लिए जा रहे थे तो बुड्ढे वाले गुरु से पूछा, तो आप कहाँ जाना है? क्या बोलेगा बेचारा? जोतना, सही है? और यंग ब्लड बर यंग कहां जा रहा है? जोतना जा रहा हूं, सही है? उसके बाद में क्या हुआ, जब दिन भर रगड़ा लगाया खेत में, और जब सुबह शाम को जब ऑफिस आ रहा था, सुबह गया शाम को जब ऑफिस आया तो फिर पूछा गया, भाई कहां से आ रहे हो? जो जवान वाला क्या बोल रहा है? जोते रहा। लेकिन जो बुड्ढा वाला था, जो जो क्या बोलते गोरू, वो क्या बोल रहा है? कहां से आ रहे हो? मैं जोते रहा रहा हूं। आप क्या बनना चाहते हैं, आगे वाला या पीछे वाला? हमेशा दोस्तों, हमेशा हर जगह पे दमदारी दिखाने की बारी है। दिखा पाएंगे आप लोग? बोल पाएंगे? ओके दोस्तों, शॉर्टकट में मैं अपना परिचय देता हूँ, इसे भी आप पहचान लिया होगा। मेरा नाम अविनाश है और सेफ सब का दोस्तों क्रांतिकारी सिपाही हूं मैं। भारतीय सेना में मैंने काम करता था 16 साल और एक महीना मैंने नौकरी किया भारतीय सेना में, और मैंने उसको क्विट करके, क्विट मतलब इसको छोड़ छाड़ के नहीं आया, उसके भी पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिलता है जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? 12,600 रुपया मिलता है। कितना? पूरा 16 साल एक महीना नौकरी करके आया हूं मेरे दोस्त, केवल 12,600 रुपया मिलता है, सही है? एक पेंशन लेता हूं मैं, पेंशनर हूं मैं, सही है? लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सरकार में, क्योंकि मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा आज एक शख्स को, और मैं उसको भी स्टेज में भी बुलाना चाहूंगा, जिसकी बदौलत दोस्तों आज मेरी टीम, मेरी जो रॉयल क्रांतिकारी टीम की शान है वो। कौन है? आप और हम सारे रॉयल क्रांतिकारी टीम से। किससे? कौन सी टीम से? कौन सी टीम से? कौन सी टीम से? मैं दोस्तों उसको मैं स्टेज पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस शान को। आप लोग उनको पहचानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आप गेस करो उसका नाम क्या होगा। हां जी, क्या क्या? ओके चलो कोई बात ना, वो भी मेरा शान है दोस्तों, लेकिन मैं उसको स्टेज पे काम करना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस टिकी शर्मा द स्टेज। थैंक यू। तो मेरी टीम की शेरनी है, शेरनी आप ही बनना चाहते हैं? आज दोस्तों मैम ने एक ऐसा ऐसा काम करके दिखा दिए, वो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। आज दोस्तों मेरी एक, मेरी जो टीम, जो रॉयल क्रांतिकारी टीम की दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। एक जोरदार ताली तो होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मैं अगर किसी की बहन हो तो डिग्री जैसी होनी चाहिए, अगर किसी की बेटी हो तो दोस्तों डिग्री ऐसी होनी चाहिए, और दोस्तों किसी की पत्नी भी हो तो ऐसी होनी चाहिए। इनके लिए एक जोड़ा ना लेना चाहिए, जोड़ा ना ले। Yeah.
जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सैलरी के लिए। थैंक यू दोस्तों। आप सबके पास में सेम चीज है, डिक्की सरपाल के पास में वही है, दो आंख एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर और दोस्तों 250 ग्राम का भेजा। और आपके और हमारे पास में भी सेम है, फर्क इतना है ये लड़की जीतती है। क्या है? ये लड़की जीतती है। आप भी अगर आगे दोस्तों कोई भी सफल होना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं ये बिजनेस में दोस्तों इतिहास रचने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। क्या आप लोग देखो दुनिया में तीन कैटेगरी के लोग हैं, एक जिद्दी लोग होते हैं, एक बुद्धिमान लोग होते हैं और दोस्तों और तीसरा समझदार लोग होते हैं। कौन सा लोग होते हैं? समझदार। और पहला क्या है? जिद्दी, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा समझदार। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो